अब देखें इसमें नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ट्राइकस, इसका मतलब क्या है? जब बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं तब बैक्टीरिया मोटाइल होता है, ये बैक्टीरिया ट्राइकस कहलाते हैं, और जिसमें फ्लैजेला नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? ए ट्राइकस बैक्टीरिया, जैसा कि आप इन फिगर्स में देख सकते हो। इसमें कोई फ्लैजेला नहीं, इसमें एक, इसके एक सिरे पर, इसके दोनों सिरे पर, और इसमें समूह में, ग्रुप्स में। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब प्रश्न उठता है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। इसके लिए आप देखें अलग से हमने पॉइंट बनाया है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्या लिखा है? बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मुख्यतः एसेक्सुअल टाइप होता है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें दो प्रकार से रिप्रोडक्शन संभव हो सकता है। फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होगा? सबसे पहले बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है इसमें जो बैक्टीरियल सेल होगी, देखें ये है एक बैक्टीरियल सेल, और बीच में कंस्ट्रक्शन बना, डीएनए दो पार्ट्स में टूटने लगा और एक से दो कोशिकाएं बन गई, और दूसरा बाई एंडोस्पोर। ये क्या होता है? एंडोस्पोर एंडोस्पोर में बैक्टीरिया के अंदर का जेनेटिक मटेरियल एक जगह इकट्ठा गोलाकार रूप में हो जाएगा। देखें किस तरह से, ये है बैक्टीरिया और इसके चारों तरफ ये सेल वॉल और इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल एक साइड पर इकट्ठा गोलाकार आकृति में हो जाएगा, ये संरचना कहलाएगी एंडोस्पोर। जब इसको उचित समय मिलता है तो अंकुरित होकर के नए बैक्टीरियल सेल में बदल जाता है। अब नेक्स्ट देखें इसमें कोनिडिया द्वारा, ये क्या होगा? देखो कुछ बैक्टीरिया में कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, ये थर्ड टाइप है कोनिडिया द्वारा। ये किसमें होगा? फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। कैसे? ये देखें एक फिगर बनाया है, ये इस तरह से इसके ऊपर छोटे छोटे कोनिडिया विकसित होंगे और ये एक चैन में बनते चले जाएंगे जिसको हम कोनिडियल चैन कहेंगे, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया में होता है। ये क्या है? फिलामेंटस का और इस के ऊपर फ्लास्क शेप्ड संरचना बन करके ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें
या जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब आनुवांशिक पदार्थ द्वारा बैक्टीरिया में लैंगिक जनन ही संपन्न है, केवल जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, जो इन थ्री टाइप से हो सकता है। पहला ट्रांसडक्शन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा कंजुगेशन। तो सबसे पहला है ट्रांसडक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। निम्न पर शॉर्ट नोट लिखो, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन या कंजुगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या चीज़ है? इसमें ये देखें, ये फिगर्स हैं और इनकी हेल्प से समझें। ट्रांसडक्शन में यही है, जैसे ये बैक्टीरियल डीएनए है जिसको हमने फेज डीएनए कहा, और ये बैक्टीरियल डीएनए जो बैक्टीरिया सेल में मौजूद है, इसका वायरस का फेज डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिलकर, देखें, अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के अटैच करके नई कॉपीज बनाएगा जो फेज और बैक्टीरियल दोनों ही के डीएनए होंगे इस बैक्टीरिया में, और ये रिलीज हो करके, देखो यहाँ से ये रिलीज हुए हैं, तो इसमें क्या है, न्यू फेज पार्टिकल्स। इसमें एक क्या है, ये फेज डीएनए है, एक बैक्टीरियल डीएनए, मतलब वायरस के साथ बैक्टीरिया का डीएनए अटैच हो करके जब नई, देखो ये लिखा भी है, टू इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल, जब ये नई बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करेगा वायरस जा करके, तो अपने साथ अपने डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए अटैच करके उस सेल में पहुंचा देगा। ये आपने अभी देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा ही पॉसिबल है। अब देखें इसमें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, ये ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को किस तरह से पॉसिबल हो करके बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और लेकिन उनको ये पूरा वो डिस्क्रिप्शन नहीं किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया, ये अन्य साइंटिस्ट थे, एवरी मैकलियोड एंड मैकार्थी, जिन्होंने 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में एब्जॉर्ब कराया। इन्होंने क्या किया था, इस तरह से आप देख सकते हैं जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, देखो फर्स्ट लिखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से पीड़ित रैट, चूहे, जो दो प्रकार के स्ट्रेन के थे, एस थर्ड और आर सेकेंड, एक पैथोजेनिक और स्मूथ कॉलोनी वाले और कैप्सुलेटेड। आर सेकेंड कैसे थे, नॉन पैथोजेनिक, रफ कॉलोनी वाले और नॉन कैप्सुलेटेड। बैक्टीरिया को
इन रैट्स में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, रैट्स डाइड ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के कारण मर गए और इसमें सर्वाइव रहे। आर सेकेंड नामक स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कारण। फिर उन्होंने दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड पैथोजेनिक टाइप के साथ हीट किल्ड नॉन पैथोजेनिक टाइप का भी एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग इनमें इंजेक्ट कराया तो इसमें रैट्स नहीं मरे और ना ही इसमें मरे। फिर क्या किया इन्होंने, दोनों का मिक्सचर लिया और एक उसमें चूहे में इंजेक्ट कर दिया, कौन सा, हीट किल्ड पैथोजेनिक टाइप प्लस नॉन वो लिविंग नॉन पैथोजेनिक टाइप, तब रैट्स मर गए। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पोस्ट मार्टिन एनालिसिस, ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए क्या निष्कर्ष निकाला कि लिविंग पैथोजेनिक टाइप, लिविंग जो रहे वो पैथोजेनिक टाइप थे, डेड भी पैथोजेनिक टाइप थे और लिविंग नॉन पैथोजेनिक टाइप के बैक्टीरिया थे। ठीक, अब इसके बाद थर्ड टाइप कंजुगेशन या संयुग्मन, इसमें क्या होगा, इसमें दो बैक्टीरिया दो स्ट्रेन के एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और उनका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। कैसे देखें, इसमें जिसका डीएनए जाएगा वो डोनर बैक्टीरिया कहलाएगा, जिसमें जाएगा वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहलाएगा, जिसमें एफ माइनस फैक्टर और ये एफ प्लस फैक्टर नामक बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। इसमें जब संयुग्मन होगा तो इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाएगी जिसे संयुग्मन नलिका कहते हैं। इस तरह से ये एक ट्यूब बनी और जेनेटिक मटेरियल इस वाली सेल का इसमें पहुंचा, फिर इसके साथ अटैच हुआ इस तरह से और इसमें आधा आ गया इसका, तो क्या हुआ, उसका डीएनए इसके डीएनए में पहुंच गया, इसलिए इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाय कंजुगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और इन तीनों में से आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताएंगे। बंद करो।